जय हिंद दोस्तों, मैं विराट चौधरी। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी के बहकावों में आके कुछ पैसे दे के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और गवर्नमेंट मतलब किसी भी फोर्स में लगना चाहते हैं, उनके साथ फिर यहाँ क्या होता है और कैसे वो पकड़े जाते हैं और कौन कौन फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले पकड़े जाते हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वजह से वो पकड़े जाते हैं दोस्तों। और तो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो पहले तो मैं बता दूँ, ऐसा काम कभी नहीं करना ज़िंदगी में दोस्तों। किसी को पैसे दे के अगर आप जॉब लग रहे हो तो आप ज़रूर पकड़े जाओगे, ये 100% है कि आप पकड़े जाओगे अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अगर आप जॉब करने की सोच रहे हो तो। ऐसा कभी नहीं सोचना दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सोच ऐसी होती है, वो किसी के बहकावे में आ जाते हैं। बच्चों की ऐसी सोच नहीं है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा बहकावे में लेके उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के और उनको मतलब जॉब में जॉब दिलाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन फिर वो पकड़े जाते हैं। आपने पहले भी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें बताया गया था कि 20-30 ऐसे जवानों को पैरामिलिट्री फोर्स से वापस उन पर इंक्वायरी बैठ गई थी और उनको बाद में घर भेज दिया था। तो दोस्तों ऐसा होता आया है और कुछ लोग ऐसा करते हैं लेकिन वो आखिर में पकड़े जाते हैं। अब पकड़े क्यों जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले जो ये सोच रहे हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो जन्म से और अभी तक का जो ज़िंदगी है उसमें आपकी हर एक चीज़ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहती है। आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद में आपका स्कूल का दाखिला हो गया, तो वो क्या करते हैं जब दूसरी मार्कशीट बनाते हैं कम एज करके, जब दूसरी मार्कशीट बनवाते हैं तो पूरी फर्जी मार्कशीटें बनवाते हैं और जब वो फर्जी मार्कशीटें लगा के यहाँ आते हैं तब उनका जब ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है दोस्तों, तो साइबर क्राइम आजकल इस प्रकार काम करता है कि आपका जब ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है तो आपका नाम डालते ही आप पहले कौन सी वैकेंसी में वो मार्कशीट यूज़ किए हुए हो, जो आपकी पुराने नाम की जो मार्कशीट है वो अपने आप शो हो जाती है दोस्तों। तो एक ही बंदे की दो क्लास की दो मार्कशीट नहीं हो सकती और दोनों अलग अलग डेट में दोस्तों, तो इससे वो आसानी से पकड़े जाते हैं फिर। क्योंकि आप मान लो इधर 10th क्लास की मार्कशीट आप लगा रहे हो, 12th क्लास की मार्कशीट अगर आप लगा रहे हो, अगर वो मार्कशीट आपने इससे पहले भी आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीटें होती है उसको आपने अगर इससे पहले भी किसी और वैकेंसी में यूज़ किए या आपका जिस बोर्ड से आपने वो मार्कशीट ली है, हाँ अगर आपने की नहीं है 10th और 12th उसके बाद में अगर आप 10th कोटा ओपन जो ओपन महाविद्यालय उनसे करते हो तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक जायज़ ज़रिया है। अगर आप मान लो 9th क्लास पढ़ के छोड़ दिए उसके 5 साल बाद में आप वापस किसी ओपन जैसे कोटा ओपन हो गया, दिल्ली ओपन या इनसे अगर आप वापस 10th क्लास या 12th क्लास करना चाहते हो तो वो एक जायज़ ज़रिया है, वो परमिशनल ज़रिया है, उसके साथ आप कर सकते हो। लेकिन जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि मतलब आपकी पूरी की पूरी मार्कशीट किसी और की, फ़ोटो नाम आपके लगा दी, रोल नंबर उस पर किसी और की, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि चेक नहीं होता, चेक होता है वापस, मार्कशीटें भी वेरिफिकेशन होती है उनकी भी, क्या ये ओरिजिनल बंदा वही है। तो आपकी जैसे ही मार्कशीट स्कैन होगी उसका पता चल जाएगा कि ये मार्कशीट किसकी है। कई बार फोटो चेंज करके वो आते हैं तो वहाँ पर जो ओरिजिनल बंदा है उसकी फ़ोटो शो हो जाती है, तो वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं दोस्तों। उसके साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अदर स्टेट के नागरिक बन जाते हैं तो वो पुलिस वेरिफिकेशन में फंस जाते हैं दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन में कैसे फंसते हैं दोस्तों, मैं बता दूं कि पुलिस वेरिफिकेशन जब होती है तो जैसे वो राजस्थान हरियाणा यूपी बिहार कहीं का है, उसने जैसे कहीं आंध्रा तेलंगाना या और किसी स्टेट तमिलनाडु ऐसे कई स्टेट का मतलब उसने बना रखा है डॉक्यूमेंट्स कुछ दिन के लिए, तो पुलिस वेरिफिकेशन जब होती है दोस्तों तो वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर से नहीं होगी, वो आसपास से पता करेंगे कि यहाँ का ये मूल निवासी है या नहीं, या पिछले 10 साल से इधर रह रहा नहीं रहा, क्योंकि अगर आप 10 साल से वहाँ रह रहे हो तो आपको फिर नागरिकता मतलब वहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनाने की इजाज़त गवर्नमेंट भी देती है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केवल आप उस भर्ती बोर्ड के लिए अगर वो बनाए हो तो फिर वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन में आपका फंसना 100% है दोस्तों, क्योंकि जब पुलिस जाती है और जब देखती है कि यहाँ का ये है ही नहीं, यहाँ का एड्रेस ही नहीं है, जो एड्रेस दे रहा हो किसी और का एड्रेस है, तो वो फिर वहाँ फंस जाता है दोस्तों। तो अगर फंस गया उधर तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, आपको घर तो भेजेंगे भेजेंगे लेकिन आप फिर किसी लायक नहीं रहोगे, आपका पूरा का पूरा ट्रैक ख़राब कर देंगे, आपका पूरा पूरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, आप पे मतलब पुलिस केस गवर्नमेंट कर देगा, जिस डिपार्टमेंट के साथ आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो वो डिपार्टमेंट आपके साथ फ्रॉड का केस करके आपको अंदर भी करा सकता है। तो अगर ऐसी कोई गलती कर रहा है तो दोस्तों ऐसी किसी के बहकावे में आके ऐसी कोई गलती ना करें, आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें
अगर आप अपनी मेहनत पे विश्वास करोगे तो आप 100% लग जाओगे। ऐसी कोई है ही नहीं जॉब की जिसको लग ना पाए। तो आप जितनी अगर मेहनत करोगे तो 100% लग जाओगे, लेकिन किसी के बहकाव में आके पैसे दे के जॉब लगने की नहीं सोचना है दोस्तों। तो ये पक्का पकड़े जाते हैं, अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो पहले से सावधान हो जाए, ऐसी गलती ना करे दोस्तों। मूल निवास, ये कास्ट सर्टिफिकेट, कई जनरल के हो गए नीचे कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं और मूल निवास अलग जगह का बनवाते हैं, 10th की मार्कशीटें चेंज कर लेते हैं तो पकड़े जाते हैं। और आर्मी में आपने देखा होगा, आर्मी की भर्ती में तो तुरंत पकड़ा जाता है, जो खुली ओपन भर्ती है तो उसमें तुरंत कैसे पकड़ा जाता है, अगर आपकी 10th आपने जैसे आर्मी की भर्ती दो बार देख ली, एक बार देख ली किसी और मार्कशीट, अगर अगली बार दूसरी मार्कशीट गए आपको तुरंत पकड़ लेंगे वहाँ, क्योंकि वो हैंड टू हैंड स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को और वहीं पकड़ा जाता है। तो जब आप सोचिए वहाँ तुरंत पकड़ा जा सकता है, तो डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन करता है अच्छी तरह से, तब तो आप पकड़े जाओगे। तो जो आपको लगा था उसका कुछ नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि उन पर पहले ही पुलिस केस बहुत हो रखे हैं बथेरे, तो उनके चक्कर में आप ना फंसे और अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसीलिए है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।